subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चला है सेना प्रमुख जी रूपनगर पर आक्रमण करने के लिए पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह और उनके भाई परमवीर सिंह ने एक विशाल सेना तैयार की है। ये कौन सी नई सूचना लेकर आए हो नागराज? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे मामाई के पास हमारे सैकड़ों सैनिक पहले से ही है। तुम उन्हीं सैनिकों का उपयोग करो और शीघ्र शीघ्र हमारे शत्रु को बंदी बनाओ, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे मामाई को बहुत पछताना पड़ेगा। राजकुमारी जी, पता चला है कि हमारे राज्य में एक युवराज बलपूर्वक अंदर घुस गया है और वो आधा मनुष्य है और आधा पशु। और तो और राजकुमारी जी, वो अपने सामने आने वाले किसी भी जीव को मार कर खा जाता है। सैनिकों, देख क्या रहे तुम लोग, पकड़ लो इन दोनों दुष्ट भाइयों को और डाल दो रूपनगर के कारागार में। नागराज, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? अनर्थ नहीं कुंवर, अनर्थ नहीं, ये तो एक न्याय है। बहुत बहुत बधाई हो महामहिम, आपने नागराज के साथ मिलकर वो कार्य किया है जो बहुत कठिन था। कठिन और असंभव कार्यों को पलक झपकते ही पूर्ण कर देना तो महामहिम की आदत है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं महामहिम? उसे खोजने मैं अकेला रूपनगर के घने जंगलों में जाऊंगा। महामहिम, क्या आप जानते नहीं है कि वहां कितनी अनेक अनेक प्रकार की मायावी शक्तियां विचरण करती हैं? फिर भी आप मुझे वहां अकेला भेजना चाह रहे हैं? क्यों महामहिम, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण हमें अपमान और उपहास का पात्र बनना पड़ा, इसीलिए हम तुम्हें दंड देते हुए कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को उस घने जंगल में खोजने का आदेश देते हैं। और यदि देरी करोगे तो हम इसी स्थान पर तुम्हें पीटना आरंभ करेंगे, क्योंकि तुम्हारे कारण राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने हमारा घोर अपमान हुआ है, जिसके कारण तुम हो। बस बस महामहिम, मैं सब समझ गया, सब समझ गया। मैं जंगल में भटक रहे उस युवराज को अभी पकड़ कर लाता हूं। जोरावर सिंह को अपने साथ नहीं रखेंगे। पता नहीं उस कपटी और महास्वार्थी जोरावर को हमने अपना सेनापति बनाने की सोची भी कैसे। भूल गए थे हम कि अपने पैरों की जूती को अभी अपने सर पर नहीं रखना चाहिए। याद रखेंगे। ये कौन है?
जो रूपनगर की भूल भुलैया में अकेला भटक रहा है। लगता तो कोई युवराज जैसा ही है। थोड़ा और समीप जाकर उसे देखना होगा महामाया। यदि वो राज अतिथि कुंवर सूर्य प्रताप सिंह का भटका हुआ भाई विजयेंद्र प्रताप सिंह होगा तो मैं उसे तत्काल अपने साथ रूपनगर के महल में सम्मान पूर्वक ले जाऊंगी और मेरे स्वामी सेना प्रमुख महेंद्र सिंह जी को प्रसन्न कर दूंगी। ठहरो युवराज। ये युवती कौन है? कहीं ये राजकुमारी चंद्रमुखी तो नहीं? रूपनगर के महल में आपका स्वागत है युवराज। मैं आपको रूपनगर के महल में ही ले जाने आई हूँ और रूपनगर के महल के द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हुए हैं। चलिए। क्या हमारी खोज पूर्ण हो गई है? क्या आप ही राजकुमारी चंद्रमुखी जो स्वयं महल को छोड़कर हमें लेने यहाँ तक आ गई? नहीं नहीं युवराज, मैं राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं, उनकी सेविका महामाया हूँ। और मुझे ये आदेश दिया गया है कि मैं जहाँ कहीं भी आपको देखूं, सम्मान पूर्वक रूपनगर के महल में ले जाऊं। वाह, जब राजकुमारी चंद्रमुखी की दासी इतनी सुंदर है तो राजकुमारी चंद्रमुखी स्वयं कितनी सुंदर होगी। राजकुमारी चंद्रमुखी ब्रह्मांड सुंदरी है कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह जी, और उनकी सुंदरता देखने के लिए तो ब्रह्मांड के देवता भी तरसते हैं। हम कोई विजेंद्र प्रताप सिंह नहीं है, हम अलकापुरी के नरेश के सपुत्र महाबली भानु प्रताप सिंह है। क्या आप अलकापुरी का युवराज हैं? किंतु हमारे गुप्तचरों ने तो ये बताया था कि हमारी सीमा के भीतर कोई कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह किसी महिला डाकू के साथ भटक रहे हैं। यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता कि आप भी हमारी सीमा के भीतर आ चुके हैं। कौन विजेंद्र प्रताप सिंह और कौन महिला डाकू, हम किसी को नहीं चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमें राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करना है और तुम हमें शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुँचाओ दासी। रूपनगर के महल में बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई परिंदा भी नहीं। यदि आपको महल में प्रवेश करना है तो आप यहीं रहकर मेरे लौट आने की प्रतीक्षा कीजिए। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी से आज्ञा लेकर आपको लेने आ जाऊंगी। चले तो कुंवर भानु प्रताप सिंह को अपने साथ नहीं ले जा सकती तो ठीक है, हम स्वयं अपनी होने वाली रानी राजकुमारी चंद्रमुखी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना कि इस बात में हमारा एक तुच्छ सेवक जोरावर सिंह भटक रहा है। उसे आगे किसी पशु ने काट कर पागल कर दिया है। यदि वो तुम्हें कहीं दिखाई दे जाए तो उसे रूपनगर की कारागार में डाल देना, अन्यथा रूपनगर की भोली भाली प्रजा को वो काट काट कर पागल कर देगा। ये बात है तो मैं कभी उसे रूपनगर के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी। किंतु इस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका क्या करूं। यदि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते तो। तुम हमारी चिंता छोड़ दो और हमारे उस पागल दास के बारे में सोचो। जब रूपनगर तक पहुंच गए हैं तो महल भी ढूंढ ही लेंगे, किंतु यदि हमारे उस पागल सेवक ने रूपनगर के किसी वासी को काट लिया तो दो महान राज्यों के रिश्ता जुड़ने से पहले उसमें दरार आ जाएगी। इसीलिए यदि तुम्हें वो जोरावर सिंह कहीं दिख गया तो रूपनगर के सारे कुत्ते उसके पीछे छोड़ देना, जो उसे काट काट कर उसकी बोटियां नोच ले। अच्छा, हम चलते हैं। और हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया था? महामाया। महामाया, रूपनगर में पहुंचने के बाद अपनी सेवा के लिए हम तुम्हें ही रखेंगे और राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ विवाह करने के बाद तुम्हें हम बहुत सारे उपहार देंगे। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जिस युवराज को मुझे ढूंढ कर लाने का आदेश मिला था वो ये है ही नहीं।
इसलिए सेना प्रमुख की आज्ञा के बिना इसे ले जाना मूर्खता होगी। मुझे अब सत्य का पता लगाना ही होगा कि वो युवराज वास्तव में यहाँ करने के आया है। अब मैं छुपकर उसका पीछा करूंगी। चाहती हूँ अपरिचित, मुझे बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? अब हम अपरिचित कहाँ रहे सुंदरी? वैसे हमारा नाम जोरावर सिंह है और मेरा कद किसी महाराज से कम नहीं। तुम तो मनुष्य भी नहीं लगते और खुद को महाराजा बता रहे हो। बताओ किस ग्रह से तुम्हारा आगमन हुआ है? तुम इस ग्रह के प्राणी जैसे तो नहीं लगते। मैं पृथ्वी लोक के सबसे सुंदर राज अलकापुरी से आया हूँ। मेरा विश्वास करो सुंदरी, मैं संसार का सबसे वीर महाबली योद्धा जोरावर सिंह हूँ। इसे देखने के पश्चात मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े शेर भालू चीते दम दबा कर भाग जाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम हो सकता है सुंदरी? ये तो कोई मूर्ख प्राणी लगता है। ये मेरे जाल में आसानी से फंस जाएगा। यदि कोई नहीं मिला तो सेना प्रमुख जी के सामने इसी को उपस्थित कर दूंगी ताकि पता तो चले कि ये है कौन। सोच रही हो सुंदरी? क्या तुम मुझ जैसे वीर महाबली योद्धा को अपना परिचय नहीं दोगी? नाम तो मेरा महामाया है और कार्य तुम जैसे सुंदर सजीले युवा महाबली को राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने लाना ताकि वो तुम्हें अतिथि युवराज बना सके। तुम प्रतीक्षा किसकी कर रही हो महामाया? चलो, मैं तो रूपनगर राजकुमारी चंद्रमुखी से ही मिलने आया हूँ। अब देर मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र मुझे रूपनगर ले चलो। राजकुमारी चंद्रमुखी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। चलिए, मैं आपको रूपनगर के स्वर्ग में ले चलती हूँ। आइए।
अभी तक मां माया आई क्यों? मैंने उसे विजेंद्र प्रताप सिंह को खोजने भेजा था भवन सिंह जी, किंतु पता नहीं कि वो कहां भटक रही है। वो ठीक? प्रणाम सेना प्रभु जी। मैं एक नहीं दो दो सूचनाएं लाई हूँ। दो दो सूचना लाई हो? बताओ क्या सूचना लाई हो? हमें राजकुमारी चंद्रमुखी जी को उत्तर देना है। सूचना ये है कि आपने मुझे जिस युवराज कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था वो तो मुझे कहीं मिला नहीं, किंतु उसके स्थान पर मुझे दो अन्य रूपनगर पहुंचने वाले पथिक अवश्य मिल गए। क्या हमारे राज्य में कोई दो युवराज और आ गए? कहां से आए और उनका नाम क्या है? उनमें से एक का नाम कुंवर भानु प्रताप सिंह है, जो स्वयं को अलकापुरी राज्य का होने वाला सम्राट बताता है। और दूसरे युवराज का क्या परिचय है? दूसरा मुझे युवराज नहीं लगा, किंतु वो स्वयं को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझता। उसने अपना नाम क्या बताया? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह सूरत से तो किसी भिखारी से भी गया बीता दिखता है, किंतु पता नहीं उसे स्वयं के अति सुंदर होने का भ्रम कैसे हो गया। उसके आने का कारण क्या है? क्या वो भी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का स्वप्न लेकर आया है? हाँ, वो भी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करना चाहता है। किंतु आप उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस मनुष्य से राजकुमारी जी तो क्या उनकी दासी भी विवाह नहीं करेगी। पता नहीं जो भी आता है राजकुमारी जी से विवाह करने के उद्देश्य आता है। खैर, इस विषय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बताओ कि वो दोनों है कहाँ? क्या तुमने उन दोनों को रूपनगर महल में आने का निमंत्रण दिया? पहले मैंने युवराज भानु प्रताप सिंह को कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह समझकर महल में आने का न्योता दिया था, परंतु वो मेरे साथ आने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। रूपनगर महल में पहुँचने के पश्चात भी महल में क्यों नहीं आना चाहिए? मैंने उस घमंडी युवराज कुंवर भानु प्रताप सिंह को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसने मेरी एक ना सुनी और स्वयं मार्ग ढूंढने की बात कहकर रूपनगर की विपरीत दिशा में वापस लौट गया। और वो जोरावर सिंह का गया, जिसे तुम भिखारी सूरत वाला मनुष्य कह रही थी, उस युवराज की भांति कहीं वो अकेला तो नहीं चला गया? वो भिखारी जैसा तो लगता ही है, किंतु वो मुझे चोर भी प्रतीत होता है। आपसे मिलवाने से पहले उस स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया है जहाँ पशु बांधे जाते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उसे कारागार में भी डाला जा सकता है। जो मनुष्य सूरज से ही चोर लगता है उस पर विश्वास करना हमारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए हमें उसे कारागार में डलवा देना चाहिए ताकि सत्य का पता लग सके। आप ठीक कह रहे हो, पहले मैंने भी यही सोचा था, किंतु आपकी आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे कारागार में डालने का आदेश अभी दे देंगे। अब उस युवराज को ढूंढने के लिए किसी और अधिकारी को भेजना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अब देरी पे देरी होती जा रही है। इसलिए अगर ये कार्य आप स्वयं अपने हाथ में ले लें तो हमें शीघ्र से शीघ्र सफलता मिल सकती है। यदि आपका यही सोचना है तो हम अभी और इसी वक्त रूपनगर के जंगलों में जाकर उन्हें खोजते हैं और उस युवराज का पता लगाते हैं जो महिला डाकू के साथ रूपनगर के जंगल में लुप्त हो गए। जैसे जैसे हम हमारी चंद्रमुखी के समीप पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हमारी थकान दूर हो रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही चंद्रमुखी हमें देखेगी हम दोनों के बीच में एक अटूट प्रेम का बंधन हो जाएगा और ये सारा संसार लैला मजनू और श्री फरहाद की जोड़ियों को भूल के केवल भानु प्रताप और चंद्रमुखी की जोड़ी को याद रखेगा। भानु प्रताप चंद्रमुखी, भानु प्रताप चंद्रमुखी, भानु प्रताप चंद्रमुखी। बहुत लंबा नाम है, हम अपनी सारी प्रजा से कह देंगे कि हमें प्यार से भानु चंदू का भानु चंदू भानु चंदू। जो भी हमारे इस आदेश को नहीं मानेगा हम उसे पकड़कर जंगल में डाल देंगे, ना ही उसका कभी विवाह हो पाएगा और ना ही प्यार, कुंवारा ही मर जाएगा वो।
भानु चंदू। ये प्रतीक कौन है जो रूपनगर की सीमा में खड़ा है? भानु चंदू। खड़े हो वहीं पर रुक जा पतिक, अन्यथा रूपनगर की सैनिक तुम पर आक्रमण कर देंगे। इस संसार में किसी योद्धा ने चरण नहीं लिया जो कुंवर भानु प्रताप सिंह को नजरे उठाकर देख सके। बोलो कौन हो तुम? राजकुमार चंद्रमुखी के सेना प्रमुख महेंद्र सिंह है पतिक। तुम इस समय रूपनगर के भीतर प्रवेश कर गए हो, इसीलिए तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और किस कार्य से आए हो। हमलकापुरी के युवराज भानु प्रताप सिंह है सेना प्रमुख जी। क्या हमारे आने का समाचार अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था? नहीं, हमें इस नाम की किसी युवराज के आने की सूचना नहीं मिली। हमें तो केवल उस युवराज की प्रतीक्षा थी जिसके लिए उसके भाई सूर्य प्रताप सिंह महल में उसकी चिंता कर रहे। क्या हमसे पहले भी कोई युवराज महल में पहुँच चुका है? एक नहीं, महल में दो दो युवराज पहुँचे है। आइए हम आपको भी ले चलते हैं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी के आदेश अनुसार रूपनगर में आने वाले प्रत्येक युवराज को महल ले जाकर स्वागत करना आवश्यक है। बस अब और किसी युवराज का स्वागत नहीं होगा, क्योंकि हम आ गए हैं। हम किसी छोटे मोटे राज के युवराज से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि हम उस राज के युवराज हैं जिसे सरदार सोने की चिड़िया के नाम से जानता है। हम जानते हैं युवराज, आप बहुत बड़े राज्य से पधारे हैं, किंतु आपको पहचानने में कुछ विलंब हो गया, किंतु आपके समस्त कष्ट समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि हम अति शीघ्र आपको रूपनगर चंद्रमुखी के महल में पूरे सम्मान के साथ ले जाने वाले हैं। आइए। सुंदर महल है। राजकुमारी चंद्रमुखी के सुंदर महल को देखकर हमें हमारे अलकापुरी के महल की याद आ गई। वो इससे थोड़ा ज्यादा सुंदर है। सेना प्रमुख जी, आवश्यकता नहीं। हम केवल अपने के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम हल्कापुरी के चक्रवर्ती युवराज भानु प्रताप सिंह हैं। हम किसी ऐरे गैरे से नहीं मिलना चाहते। तुम एक युवराज नहीं बल्कि एक कपटी मनुष्य। तुम्हारे भीतर एक युवराज की वीरता नहीं बल्कि एक कपटी मनुष्य की कायरता है। पश्चात हमें कभी कायर कहने की भूल मत करना सूर्य प्रताप सिंह। यदि यमराज भी हमारे समक्ष आ जाए तो हम उसका भी वध करने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारी यही बड़ी बड़ी बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। कहते बहुत कुछ हो लेकिन करते कुछ नहीं। हम जो कहते हैं उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। क्या तुम भूल गए क्या हमारे इन्हीं दोनों हाथों ने तुम्हें लंबे समय के लिए मूर्छित कर दिया था? यदि हम चाहते तो हम तुम्हें संसार से विदा कर देते, लेकिन हमने तुम पर शमादान कर दिया, क्योंकि तुम भी हमारी तरह एक युवराज हो। किंतु याद रहे, तुम्हारा कद कभी हमसे ऊंचा नहीं हो सकता। तुम हम
मैं क्या क्षमादान दूं। जिसे केवल हम ही अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम यहां क्यों आए हो? तुमने तो कहा था कि अपने भाई की खोज में निकले हो, किंतु तुम भी हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के लिए ही आए हो। हमारी वो चाहत कभी नहीं रही है जिसकी खोज में तुम यहां तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य तो केवल हमारे भाई विजेंद्र प्रताप सिंह तक ही सीमित है, किंतु तुम्हारा लक्ष्य जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी पूर्ण नहीं होगा। सूर्य प्रताप सिंह। अतिथि युवराज अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले गए। थोड़ा सा विश्राम आप भी कर लीजिए। चलिए हम आपको आपके कष्ट तक ले चलते हैं। चलिए। ऐसे छोटे मोटे तुच्छ युवराजों को तुमने अतिथि बना रखा है। चलो आइए अतिथि युवराज, ये आपका कक्ष है। रूपनगर के जंगलों में कई दिनों से आप भूखे प्यासे भटक रहे थे, कुछ दिनों के लिए यहीं विश्राम कीजिए। विश्राम तो हम कर लेंगे महेंद्र जी, किंतु आइंदा हमें सूर्य प्रताप जैसे निर्बल और निर्धन युवराज से कभी मत मिलाना, क्योंकि अगर हमारे पिताश्री को पता चल गया कि हम ऐसे गांव खेड़े के अहरे गहरे युवराजों से मिल रहे हैं तो वो क्रोधित हो जाएंगे और हमें अलकापुरी लौटना पड़ेगा। हम आपकी बात समझ गए युवराज, आज पश्चात हम आपको केवल सम्मानित लोगों से मिलवाएंगे। कई महीनों से आप रूपनगर के जंगलों में भटक रहे थे जिसके वजह से आप स्नान नहीं कर पाए। क्षमा की आपके शरीर से ऐसी गंध आ रही है जैसे मरे हुए गधे के शरीर से आती है। क्या कहा? नहीं, हमारा तात्पर्य यह है कि अब स्नान करके थोड़ा विश्राम कीजिए, बड़ी अच्छी नींद आएगी। नहीं, हम विश्राम नहीं करना चाहते। हम तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक हमारा विवाह तुम्हारी राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ नहीं हो जाता, क्योंकि यदि हम चैन की नींद सो गए तो वो सूर्य प्रताप हमारी होने वाली महारानी को लेकर भाग जाएगा। क्या कह रहे हैं? हमारे होते हुए संसार के सारे महायुद्धा राजकुमारी जी की छाया को भी छूने सकते हैं, तो उस युवराज की क्या हस्ती है। वैसे भी उस युवराज का उद्देश्य राजकुमारी को पाना नहीं, अपने भाई को खोजना है। ना 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 ना, ये समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी सेना प्रमुख महेंद्र जी। वो सूर्य प्रताप पाखंडी बहुत ही चतुर है। वो अपने भाई का झूठा बहाना बनाकर हमारे चंद्रमुखी से विवाह करना चाहता है। हम तो कहते हैं कि शीघ्र ही उसे महल से बाहर निकाल दो और कारागार में बंद करके उल्टा लटका दो, अन्यथा वो हमारी चंद्रमुखी को फंसाने के लिए जाल बुनता रहेगा। क्या सोचने लगे हो सेना प्रमुख जी? अब आराम विश्राम छोड़ो और जाकर उस सूर्य प्रताप से हमारे विवाह में शहनाई बजाने की तैयारी करवाओ, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हारी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह कर उसे अलकापुरी ले जाने वाले हैं, ताकि अपने अस्वस्थ और अंधे पिताश्री को विश्राम देकर हम उनके राजपाट को संभाल लें। क्यों ने आपकी समस्त इच्छाओं को अति शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, किंतु आप राजकुमारी जी को अलकापुरी ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, रूपनगर की प्रजा का क्या होगा, हम तो अकेले रह जाएंगे। नहीं नहीं, तुम अनाथ नहीं, तुम यहाँ के नाथ बनोगे। हमने सोच लिया है कि जब हम अलकापुरी चले जाएंगे तो यहाँ का राजपाट हम तुम्हें सौंप कर जाएंगे। किंतु याद रहे, अगर एक भी युवराज यहाँ भटकता हुआ आ गया तो उसे कारागार में बंद करना मत भूलना। आपको दूसरे लोगों पर विश्वास क्यों नहीं? विश्वास करते थे हम लोगों पर कभी, किंतु सरावर नाम के
बार हमारे कदमों को काट कर घायल कर दिया है। इसीलिए अब हमने सोच लिया है कि जो जूता हमें एक बार काट लेगा उसे हम दोबारा कभी नहीं पहनेंगे। यदि आपको जूतों से इतना ही डर लगने लगा है ना, तो हम आपको रूपनगर में नंगे पैर घुमाने का प्रयत्न करेंगे और आपके हर आदेश का पालन किया जाएगा। ठीक है ठीक है, अब तुम जाकर देखो कि राजकुमारी चंद्रमुखी क्या कर रही हैं, और उन्हें हमारा संदेश दो कि उन्हें श्रृंगार कर विवाह का लाल जोड़ा पहनने का आदेश कुंवर भानु प्रताप सिंह ने दिया है। और हाँ, यदि वो सूर्य प्रताप भी हमारे विवाह में आ रहा है तो उसे भी आदेश दे देना कि उसे सारे दिन शहनाई बजानी पड़ेगी। यदि वो सारे दिन शहनाई बजाएंगे तो उनका मुख तो दुखने लगेगा। उसका चाहे मुख दुखे या कान फटे, किंतु जब तक सूर्य प्रताप हमारे विवाह के दिन पूरे दिन शहनाई नहीं बजाता रहता, तब तक हम उसे अपने विवाह में नहीं बुलाएंगे। और हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम हमारे पिछले जन्म के बिछड़े हुए भाई हो। देखो ना, हम दोनों के मुखड़े कितने सुंदर हैं, और हम दोनों के बाजुओं में मछलियां छलक रही हैं, छलक रही हैं। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ भैया, जब हमारा विवाह राजकुमारी चंद्रमुखी से हो जाएगा तो उसके बाद इस राज्य में घोषणा कर देना कि जो भी बाहर का युवराज यहाँ आए उसे खदेड़ खदेड़ की सीमा के पार फेंक दिया जाए, ताकि ऐसे सूर्य प्रताप जैसे तुच्छ युवराज महल में मुंह उठा के घूमते ना दें। चलते चलिए। अब हम रूपनगर और रूपनगर के महल में नहीं रहना चाहते मोहन सिंह जी, आप हमें जाने दीजिए। यदि आप राजकुमारी को बिना बोले चले गए तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे अतिथि युवराज? और हमें जाने के पहले इतना बताने का कष्ट कीजिए कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आप इतने क्रोधित हो बैठे और महल छोड़ के जाने का निर्णय ले बैठे। आप हमसे कुछ ना ही पूछे तो अच्छा होगा। हम यहाँ अपने भाई विजेंद्र प्रताप सिंह को खोजने आए थे, लेकिन इस महल में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमने कभी नहीं देखी। अब हमारा मन उठ गया मोहन सिंह जी, हमें रोकिए मत, जाने दीजिए। जाने वाले को भला कौन रोक पाया है अतिथि युवराज? अब आप जाने का निर्णय ले ही बैठे हैं तो अब हम आपको नहीं रोकेंगे। किंतु जाने से पहले ये सोच लीजिए, जिस राजकुमारी ने आपको इतने मान सम्मान से राज अतिथि बनाया है, जब उन्हें ये पता चलेगा तो कितनी दुखी होगी। हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं मोहन सिंह जी, किंतु जहां हमें अपमान की थोड़ी भी भनक आ जाती है और हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो हम वहां से तत्काल प्रस्थान कर जाते हैं। यदि हम नहीं गए तो वहां केवल रक्तपात के सिवा और कुछ नहीं नजर आता। क्या कह रहे हैं आप? रूपनगर के महल में किसका इतना साहस हो गया जिसने राजकुमारी के राज अतिथि का अपमान किया है? राजकुमारी चंद्रमुखी के एक राज अतिथि का उनके दूसरे राज अतिथि ने अपमान करने का प्रयत्न किया है। क्या राजकुमारी चंद्रमुखी को ऐसे दुष्ट राज्य को पालने का शौक है जो युवराज कम और जंगली पशु ज्यादा लगते हैं? कहीं आप नए युवराज भानु प्रताप सिंह की तो बात नहीं कर रहे? जिनका हमारे महल में आगमन हो चुका है और वो इस समय अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। हाँ मोहन सिंह जी, यदि राजकुमारी चंद्रमुखी के लिए हमारे मन में सम्मान नहीं होता तो अभी तक हम उस दुष्ट को सदैव सदैव के लिए विश्राम की मानींद्र में पहुंचा देते हैं। हम समझ गए अतिथि युवराज कि आपके मन में कितनी पीड़ा हो रही है, किंतु हमारी स्थिति को भी तो देखिए। उस युवराज की उदंडता को देखकर हमें भी उतनी पीड़ा हो रही है जितनी आपको। बस हमें एक अवसर देने का कष्ट और कीजिए, राजकुमारी चंद्रमुखी से मिलने तक बाहर मत जाइए। हम उस युवराज को वश में करने के लिए आगे कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएंगे। ठीक है मोहन सिंह जी, जब आप इतनी आग्रह कर रहे हैं तो हम उसे नहीं ठुकराएंगे, किंतु उस दुष्ट ने हमारे सामने फिर ऐसा कोई तुच्छ कार्य किया तो हम उसका वध भी कर सकते हैं।
हम ऐसी भयानक स्थिति कभी नहीं आने देंगे। रूपनगर के महल में राज अतिथि का अपमान अब कभी नहीं होगा, क्योंकि राज अतिथि का अपमान राजकुमारी चंद्रमुखी का अपमान होगा। हम अभी और इसी समय इस दुर्घटना की सूचना राजकुमारी चंद्रमुखी को देने जा रहे हैं। अपने भाई को बिजेंद्र प्रताप सिंह के आने तक इस महल में रहना ही श्रेष्ठ है। देखते हैं राजकुमारी चंद्रमुखी क्या निर्णय लेती है। कारागार में पहुंचा देंगे। चलो नंदिनी। जी राजकुमारी।